ये वो पवित्र धरती आ जिस धरती से सतगुर जी ने टुट्टी नूं मुड़ गंढिया। ये 40 मुक्तियां दी वो पवित्र धरती आ जिस धरती ते सिख पंथ समुचे तौर पर माघी के दिहाड़े दे उत्ते आ के कतर हो के उन्हां महान शहीदां नूं नतमस्तक होंदा। ते मैं अक्सर एक गल कहना हुंना कि सतगुरां ने सिख नूं किड्डी वड्डी बड़ियाई बख्शिश कीती कि सिख बेदावा दे के उत्थों आनंदपुर की धरती तो वापस आ गए। तो सतगुरु जी 6-7 पोह नूं श्री आनंदपुर साहब का किला छड के सारे पड़ा दर पड़ा उन्हां हालातां विच ही लंघ के आ के इस धरती ते जिले पहुँचते आ। तो जिहड़ी खदराणे की ढाब ते टिब्बी साहब तो सतगुरु जी वह सारा गुरु के सिखां दा जिहड़े बेदावा लिख के आए माई भागो की प्रेरणा सदका मुड़ उत्थे जूझे। पर सतगुरु जी की बड़ियाई आ कि सतगुरु जी जिदा अज के युग में आप कह रहे ने कवरिंग फायर देंदे आ, सतगुरु जी ने आप भी तीरां की वरखा की। तो उन्हां सिंघां नूं जिन्हां ने बेदावा दिता सी उन्हां दीआं शहीदियां भी अपनी अखी देखियां सारियां। फिर सतगुरु जी ने आखिरी समा जिस वेले भाई महा सिंह जी दे सवास चल रहे सी सतगुरां ने जिले मखारबिंद ते जा के उत्ते लहू डुलाया सी सारा चेहरा साफ कीता। ते भाई महा सिंह जी ने जिले तकिया गुरु चरणा दे विच गुरु दी गोद दे विच सेरिया। ते फिर गुरु साहब ने यह कहना कि भाई महा सिंह जी मंगला की मंगदा। ते इत्थे एक सवाल भी साढ़े लिए अज एक जिहड़ा सानू झिझोड़दा भी आ कि वह भाई महा सिंह के आखिरी बोल भी चेते करिए कि गुरु साहब जी हुण मंगण नूं तां कुछ भी नहीं रह गया, तुहाडे चरणां दे विच तुहाडी गोदी दे विच सवासां दी पूंजी खत्म हो चली, होर सिख नूं चाहीदा कुछ नहीं। पर एक जिहड़ी बेदावा लिख के आए सी उह पाड़ दिओ। जे हुण आपां सारा सफ़र सतगुरु जी का देखते हाँ तो सतगुरु जी ने वह बेदावा अपने कंवर कस्से दे विचों कढ के उस वेले पाड़िया। इस गल का सानू सिधांतक सतगुरु जी ने प्रमाण भी दिता गुरु का सिख जिन्ना मर्जी बेमुख हो जाए जिन्ना मर्जी आले दुआले दौड़े और सतगुरु जी अपनी शरण के सिख नूं लै लैंदे आ। ते भाई महा सिंह जी ने जिहले 40 नूं सतगुरु जी ने बड़े बड़े खिताब बख्शिश किए तो गुरु के सिख नूं यह भी दर्शा दिता भी ओड़क तेरा जिहड़ा गुजारा सतगुरु जी के गुरु चरणा तो बगैर होदरे किते भी नहीं गा। सो ये वो पवित्र धरती आ जिस पवित्र धरती दे विच जिदा आपां करते दी याद दी गल करदे ना वो याद की आ वो अकाल पुरख दी ते गुरु पातशाह जी दे दरसाए रास्ते अनुसार जिसले मनुख नूं गुरू चरणा दे विच ध्यान धर के किसी गल दा चेता आ जांदा वो फिर नशावर होण लई तैयार हो जांदा। इहो ही उहनां पवित्र जिन्हां नूं सतगुरु जी ने मुक्तियां दा दर्जा बख्शिश कीता इहो पवित्र धरती आ। तो हर एक सिख इत्थे आ के अपने आप नूं सुभागा इन्हां दिनां दे विच आ के महसूस करदा।